द इक्वेशन। बट बिफोर सिंप्लीफाई द इक्वेशन मैं आपको रूल बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। वो रूल है बी डिमेस। बी डिमेस का मीन्स मतलब क्या है, बी मीन्स ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले इक्वेशन में आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व की जाती है वो होती है राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट और आफ्टर दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अगर हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस माइनस के साइन है इक्वेशन में तो सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एड और सबसे लास्ट में हम माइनस वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग दिस बी डिमेस रूल हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग दिस रूल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया बी डिमेस रूल। अब हम उसी रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमें इक्वेशन गिवन है कर्ली ब्रैकेट 0.38 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 14.2 प्लस 3.4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.2। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बी डिमेस रूल इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। राउंड ब्रैकेट में हमें गिवन है 14.2 प्लस 3.4। हम रफ वर्क में सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। आप रफ वर्क में देखिए 14.2 प्लस 3.4 को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 17.6। मेक श्योर जब भी आप पॉइंट के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। इस दोनों को प्लस करके जो आंसर आया 17.6, 0.38 हमने एज इट इज राइट कर दिया, मल्टीप्लाई भी एज इट इज। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया था 17.6 हमने नीचे मेंशन किया और बाकी तमाम क्वेश्चन एज इट इज ऊपर से नीचे ऐसे ही उतार लेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब कर्ली ब्रैकेट्स में हमने राउंड ब्रैकेट सॉल्व करे, हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी थी। कर्ली ब्रैकेट्स में तीन वैल्यूज है 0.38 मल्टीप्लाई 17.6 डिवाइडेड बाय 4। बी डिमेस रूल के मुताबिक पहले हम डिवाइड करते हैं देन मल्टीप्लाई, तो इट्स मीन पहले 17.6 डिवाइडेड बाय 4 पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको 0.38 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्क में 17.6 को जब 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 14.4, तो इन दोनों की जगह हमने राइट कर दिया 4.4। अब 0.38 को मल्टीप्लाई करना है 4.4 के साथ स्टूडेंट्स। पहले इन दोनों को डिवाइड करके नीचे आंसर लिखा माइनस 1.2 साथ साथ हम उतार रहे थे। अब 0.38 मल्टीप्लाई 4.4 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। रफ वर्क में आप देख सकते हैं 0.38 को 4.4 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा है 1.672। हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ राइट कर देंगे देन माइनस 1.2 साथ उतार देंगे। अब लास्ट स्टेप में हमने इन दोनों को आपस में माइनस करना है। रफ वर्क में जब 1.672 को माइनस 1.2 किया तो हमारा आंसर आया 0.472 एंड दैट्स योर आंसर। स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नया नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप बहुत बार कर चुके हैं। मेन पॉइंट स्टेट कि आपने याद रखना है कि आपने पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है और किस तरह से पहले ऐड करना है डिवाइड करना है, उस लिहाज से आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये बहुत ईजी होगा। थैंक यू।